धोलेरा 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 एवरी टाइम हम लोग सिर्फ धोलेरा की बात करते हैं कि धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एक्टिवेशन एरिया बन रहा है, बहुत सारी कंपनीज वहां पे आ रही है, रिवर फ्रंट बन रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। यस एग्जैक्टली, बहुत कुछ हो रहा है। हर यूट्यूब चैनल में, हर न्यूज चैनल में, हर मीडिया में, हर जगह धोलेरा की बात हो रही है। हालांकि सिर्फ बात ही नहीं हो रही है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। पूरे ऑल ओवर द इंडिया से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। काफी सारी कंपनीज यहाँ पे आ रही है, काफी ग्रो हो रहा है, आई एग्री। बट अगर मैं इस धोलेरा की बात करूँ, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी जो बन रहा है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से ले रहा है? अगर मैं इसकी बात करूँ तो लोथल हड़प्पा सिविलाइजेशन का नाम आपने सुना होगा, यहीं से इंस्पिरेशन मिल रहा है, जो कि 5000 साल पुराना इतिहास है हमारे देश का। इसी के थीम को पूरे धोलेरा स्मार्ट सिटी में लिया गया है। आप अगर एक्टिवेशन एरिया घूमेंगे, अगर आप देखेंगे जाके वहां पे, हर एक बिल्डिंग में, हर एक जगह में इसके स्कल्पचर्स को बनाए गए हैं, इसके ही थीम को लिया गया है, इसके ही सिंबल्स को उठाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हमने भी अपना लोगो सिंबल जो बनाया है, वो भी हम भी लोथल हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही इंस्पायर्ड है। तो इस वीडियो में गवर्नमेंट के एक और बहुत बड़े प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, वो है नेशनल हेरिटेज मैरिटाइम म्यूजियम, जो कि लोथल के ही पूरे हिस्ट्री को यहाँ पर दिखाया जाएगा। और बहुत बड़ा पार्क बन रहा है, बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन रहा है, इससे गवर्नमेंट काफी सारे टूरिस्ट को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सिर्फ धोलेरा स्मार्ट सिटी नहीं, कहीं ना कहीं लोथल भी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनेगा। जिस तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस लैंडमार्क बन चुका है, उसी तरीके से जो मैरिटाइम म्यूजियम बन रहा है लोथल में, ये भी एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क बनने वाला है धोलेरा स्मार्ट सिटी के साथ। और मैं बता दूं आपको, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी से सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्पॉट बन रहा है जो कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा। और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, बहुत ही परफेक्ट प्लानिंग है कि टूरिज्म को यहाँ से भी अट्रैक्ट किया जाएगा, स्मार्ट सिटी से भी अट्रैक्ट किया जाएगा, इंडस्ट्रीज भी डेवलप हो रही है, इस तरीके से पूरा पूरा स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है। तो ये जो चीज बन रही है, ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क साबित होगा स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में।